हेलो दोस्तों, स्वागत है एनिग्मा डीमिस्टिफाइड में। आज हम टोनी जोसेफ की पुस्तक अर्ली इंडियंस, जो 2018 में प्रकाशित हुई थी, उसके संबंध में चर्चा करेंगे। टोनी जोसेफ एक जर्नलिस्ट है, तो इनका सहारा लेके कुछ तथाकथित मूल्यवासी अपने आप को मूल्यवासी सिद्ध करने की कोशिश कर रहे हैं, तो आइए हम इसी को आज एक्सपोज करेंगे। ये मेरे पास में टोनी जोसेफ की अर्ली इंडियंस पुस्तक है, जिसका ऑनलाइन वर्जन है। इसी के द्वारा हम देखेंगे कि टोनी जोसेफ क्या कहना चाहता है और हम उसकी फिलॉसफी को कैसे डिबंक कर सकते हैं। हम टोनी जोसेफ की ही पुस्तक से मूल निवासियों का भांडा फोड़ेंगे और प्रमाणित करेंगे इसी किताब से कि संस्कृत भाषा इंडो यूरोपियन भाषा समूह की प्राचीन भाषा है, पाली नहीं है। साथ ही साथ ये जो तथाकथित मूल निवासी हैं, टोनी की पुस्तक के हिसाब से क्रॉस ब्रीड है सबके सब। अफ्रीकी और ईरानियों की क्रॉस ब्रीड है ये, अर्थात ये विदेशी हैं। टोनी की ही बुक से हम यह प्रमाणित करेंगे कि बौद्ध धर्म मात्र 6वीं शताब्दी ईस्वी पूर्व का है, जबकि जैन धर्म 7वीं शताब्दी ईस्वी पूर्व का है। टोनी ने वेदों का काल 1700 ईस्वी पूर्व का बताया है। साथ ही साथ सिंधु घाटी सभ्यता का बौद्ध धर्म से दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं है। महादेवन ने बिना सिंधु घाटी सभ्यता की भाषा पढ़े उसे द्रविड़ीय सिद्ध करने का असफल प्रयास किया है, उसने उसे बौद्ध सभ्यता से नहीं जोड़ा है। और यहाँ पर एक चीज मैं स्पष्ट कर दूं, पाली और संस्कृत दोनों ही इंडो यूरोपियन भाषा समूह में आते हैं, न कि द्रविड़ीय भाषा समूह में। साथ ही साथ हम यह भी सिद्ध करेंगे कि आर्यवर्त किसी को बाहरी सिद्ध करने का आधार नहीं है, यह हम रिसर्च पेपर्स के द्वारा सिद्ध करेंगे। ब्राह्मणों में ही यह भार्गव में 22, चतुर्वेदी में 21 और जम्मू कश्मीर के ब्राह्मणों में 19, बिहारी ब्राह्मण में 60 तक है। इसका मतलब है कि यही इतना अधिक वेरी कर रहा है कि यह कोई आधार नहीं है किसी को विदेशी साबित करने का। वहीं आप देखें जम्मू कश्मीर के गुजर में 40 है, बिहार के पासवान में भी 40 है और जम्मू कश्मीर के ब्राह्मण में मात्र 19 है। भारतीय सुन्नियों में 39 है, दाऊदी बोरा में 53 है। तो इस तरीके से हम ये कह सकते हैं कि आर्यवर्त का इतना वेरिएशन किसी को विदेशी या बाहरी सिद्ध करने के लिए पर्याप्त बिल्कुल नहीं है। साथ ही साथ में टोनी जोसेफ ने अपनी पुस्तक में ही लिखा है कि उसे एक भी सिंधु घाटी सभ्यता का डीएनए नहीं मिला है, फिर भी उसने हवा में बड़े बड़े दावे किए हैं। और अंत में यह सिद्ध किया जाएगा कि सिंधु घाटी सभ्यता वैदिक ही है, इसका बौद्ध धर्म से दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं है। पहले तो नव बौद्धों को टोनी जोसेफ की बुक से ही एक्सपोज किया जाएगा और उसके बाद हम टोनी जोसेफ का भी खंडन कर देंगे। ये वीडियो काफी लंबा है, कृपया धैर्य बनाए रखें। सबसे पहले तो हमको ये पृष्ठ दिखाया जाता है अर्ली इंडियंस का हिंदी वर्जन में, जिसमें आर1ए के बारे में बताया गया है कि आर1ए की प्रधानता ब्राह्मणों में अधिक है और अनुसूचित जातियों और जनजातियों में कम है। लेकिन हम कुछ तथ्य देखते हैं जिससे ये चीजें और क्लियर हो जाएंगी। देखिए मित्रों, ये पृष्ठ दिखाया गया है, लेकिन इसके नीचे ही यहाँ पर ध्यान से पढ़िएगा क्या लिखा हुआ है। आखिरी का जो सेंटेंस है उसमें लिखा है, इसलिए जो हम देखते हैं वह एक विशिष्ट अनुवांशिक निशानी जो इंडो यूरोपियन भाषा भाषी मुल्कों में प्रभावी है और जिसकी हिंदुस्तान में इंडो यूरोपियन भाषाओं की प्राचीनतम परत संस्कृत। यहाँ पर साफ लिखा है कि इंडो यूरोपियन भाषाओं की जो प्राचीनतम परत है वो संस्कृत है। कुछ लोग इस सिद्ध करने पे तुले हुए थे कि संस्कृत प्राचीन नहीं है, लेकिन यहाँ पर इस बुक का सहारा लेके इन लोगों ने स्वयं को ही एक्सपोज कर दिया है। तो आखिरी लाइन में देखिए लिखा है, इंडो यूरोपियन भाषाओं की प्राचीनतम परत संस्कृत है। साथ ही साथ में पाली भी इंडो यूरोपियन फैमिली में आती है, जिसको आप गूगल पे आराम से सर्च कर सकते हैं, कोई भी ऑथेंटिक वेबसाइट से आपको पता चल जाएगा। तो आइए अब हम इस पुस्तक का आकलन करते हैं।
जो ये तथाकथित मूलनिवासी हैं अपने आप को मूलनिवासी सिद्ध करना चाह रहे हैं, उसकी पूरी की पूरी पोल इस किताब ने खोल दी है, क्योंकि टोनी जोसेफ ने अपनी किताब में सभी को विदेशी बना दिया है। तो हम चालू करते हैं। ये मेरे पास में ऑनलाइन वर्जन है बुक का, जिसमें हम शुरू के पन्ने पे आए तो हमको पता चलता है एक शॉर्ट क्रोनोलॉजी ऑफ द मॉडर्न ह्यूमन इन इंडियन प्रीहिस्ट्री। यहाँ पर ये बताता है कि 3 लाख साल पहले मोरक्को में यानी अफ्रीका में मॉडर्न ह्यूमन होमो सेपियंस आया था। सबसे पहली बात यही है। तो यहाँ पर मूल निवासी की पहली तो इन्होंने ही खंडन कर दिया। फिर इसके बाद में ये बोलते हैं कि 65,000 साल पहले आउट ऑफ अफ्रीका माइग्रेंट्स इंडिया रीच करते हैं और वहां पर ऑलरेडी बहुत सारे लोग थे जिनको हम आर्काइक ह्यूमन बोलते हैं। तो वो एक अलग टाइप की होमो स्पीशीज थी जो वहां पर थी। तो अदर होमो स्पीशीज इन द सब कॉन्टिनेंट हु डोमिनेटेड सेंट्रल एंड सदर्न इंडिया, ये बात अब उनको समझ लेनी चाहिए। इसके बाद में ये जो आउट ऑफ अफ्रीका लोग आए हैं उसके जो डिसेंडेंट्स हैं, जो उसके वंशज हैं, उसको उसने नाम टोनी ने, अर्थात टोनी ने उनका नाम फर्स्ट इंडियन कहा है, जबकि उसके पहले भी अदर होमो स्पीसीज वहां पर थे। तो यहां पर अपन पढ़ सकते हैं, मॉडर्न ह्यूमंस मूव इनटू व्हाट वुड हैव बीन लॉन्ग एस्टेब्लिश्ड रिफ्यूज फॉर अदर होमो स्पीसीज इन सदर्न एंड सेंट्रल इंडिया। तो वहां पर ये जो मॉडर्न ह्यूमन जिसको बोला जा रहा है उसने एंटर किया, जबकि वहां ऑलरेडी एक होमो स्पीशीज थे। फिर इसके बाद में ये बोलता है, अब यहां पर आप देखिए मूल निवासी की ये जो बात करते हैं तो यहां पर सब की सब धरी की धरी रह जाती है। यहां पर फिर वो बोलता है कि 7000 से 3000 BCE बिफोर कॉमन एरा माइग्रेशन ऑफ ईरानियन एग्रीकल्चरिस्ट फ्रॉम द ज़ाग्रोस रीजन टू साउथ एशिया लीड्स टू देयर मिक्सिंग विद द डिसेंडेंट्स ऑफ द फर्स्ट इंडियंस सम टाइम ड्यूरिंग दिस पीरियड। तो उसका कहना है कि 7000 से 3000 के BCE के बीच में ईरान से कुछ एग्रीकल्चरिस्ट किसानी करने वाले लोग आए। कौन सी एरिया से? ईरान के ज़ाग्रोस एरिया से साउथ एशिया में आए। तो उनकी मिक्सिंग हो गई किसके साथ में? जो डिसेंडेंट थे, जो वंशज थे, किसके? फर्स्ट इंडियन के। तो यहाँ पर एक मिक्सिंग हो गई, ये ऑलरेडी विदेशी हो गए। फिर इसके बाद आगे वो बोलता है कि 2000 से 1000 BCE में फिर मल्टीपल वेव्स आई किसकी? स्टेप पास्टेरियंस माइग्रेंट्स फ्रॉम सेंट्रल एशिया इनटू साउथ एशिया। अब यहाँ पर एक बात बहुत क्लियर कर दें कि आर्यन इन्वेजन थ्योरी, आर्यों की आक्रमण की थ्योरी पूरी तरीके से नकारी जा चुकी है। इस किताब में भी हर जगह माइग्रेशन शब्द का इस्तेमाल हुआ है, कहीं पर भी इन्वेजन शब्द का इस्तेमाल नहीं हुआ है। तो फिर 2000 से 1000 BCE में अगेन माइग्रेंट्स आए, कहाँ से? सेंट्रल एशिया से। फिर इसके बाद में ये जो माइग्रेंट्स थे, the late Harappan period that sees the decline and eventual disappearance of Harappan civilizations primarily due to the effect of long drought that affected civilization in West Asia, Egypt and China as well. तो जो Harappa civilization का decline हुआ है, जो उसकी पतन हुआ है, उसका कारण ये बता रहे हैं drought था, यानी कि एक बहुत लंबा सूखा पड़ा था, उसके कारण वहाँ पर decline हुआ। तो यहाँ पर again यदि कोई आक्रमण की theory को अभी भी ले रहा है तो पुराने काल में जी रहा है, ये पूरी तरीके से खत्म हो चुकी है बात। हालांकि इस पुस्तक का भी खंडन किया जा चुका है, जिसको अपन आगे देखेंगे। फिर इसके बाद में यहां पर टोनी बोलते हैं कि द डीएनए एविडेंस हैज बीन कंक्लूसिव दैट मॉडर्न ह्यूमंस आउटसाइड ऑफ अफ्रीका आर ऑल डिसेंडेंट्स ऑफ सिंगल पॉपुलेशन। जितने भी लोग हैं वो अफ्रीका से आए हैं, जितने भी अभी संसार में होमो सेपियंस हम लोग हैं वो सब के सब अफ्रीका से आए हैं। तो ये बोलता है दैट डीएनए एविडेंस हैज बीन कंक्लूसिव दैट मॉडर्न ह्यूमंस आउटसाइड ऑफ अफ्रीका आर ऑल डिसेंडेंट्स ऑफ सिंगल पॉपुलेशन ऑफ आउट ऑफ अफ्रीका माइग्रेंट्स हु मूव्ड इनटू एशिया सम टाइम आफ्टर 70,000 इयर्स अगो एंड देन स्प्रेड अराउंड द वर्ल्ड।
ये पेज नंबर ऑनलाइन वर्जन में पेज नंबर 29 पे था। इनके लिंक मैं सब आपको नीचे पोस्ट कर दूंगा। अब यहाँ पर एक और चीज बोली गई है ये पेज नंबर 43 ऑनलाइन वर्जन के, कि मॉडर्न ह्यूमंस स्टार्टेड इमर्जिंग इन अफ्रीका अराउंड 3 लाख ईयर्स अगो एंड दे बिगेन देयर फोरेज इनटू द लेवांत इलाके में गए बाय एटलीस्ट 180,000 ईयर्स अगो एंड इनटू अरेबिया। अब ये क्या हुआ फिर लेवांत में गए 180,000 साल पहले और फिर वो गए हैं अरब पेनिनसुला में अरेबिया में बाय एटलीस्ट 88,000 ईयर्स अगो। फिर ये पेज नंबर 44 पे बोलते हैं कि एक्चुअल में क्या हुआ होगा, प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग ऑफ व्हाट हैपेंड ड्यूरिंग द फर्स्ट अटेम्प्ट्स ऑफ द मॉडर्न ह्यूमंस टू ब्रेक इनटू यूरेशिया, यूरेशिया जब मॉडर्न ह्यूमन गए अफ्रीका से, हाउएवर इज नॉट पॉसिबल विदाउट ए ग्रास्प ऑफ बोथ ज्योग्राफी एंड क्लाइमेट, देयर आर 4 पॉसिबल पाथ फॉर एंशिएंट मॉडर्न ह्यूमंस आउट ऑफ अफ्रीका एंड इनटू यूरेशिया। मोरक्को से ये नॉर्थ वेस्टर्न अफ्रीका टू स्पेन अक्रॉस द स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर, या फिर ट्यूनिशिया से सिलिसिया, फ्रॉम इजिप्ट इनटू द सिनाई पेनिनसुला एंड ऑन द लेवांत, एंड फ्रॉम एरिट्रिया इन ईस्टर्न अफ्रीका टू येमेन एंड सऊदी अरेबिया अक्रॉस द बाब एल मांदेब एट द सदर्न टिप ऑफ द रेड सी। तो इसमें से शुरू के दो जो रूट हैं उसकी पॉसिबिलिटी नहीं है। ऑफ दीज 4 पॉसिबिलिटीज देयर इज नो एविडेंस दैट द फर्स्ट और द सेकंड roots were ever used, but we have plenty of evidence that the third and the fourth roots were used whenever the climate allowed these roots to be open. Page number, इस किताब में बुद्धिज्म ढूंढने का प्रयास कर रहे हैं। बुद्धिज्म का सिर्फ 2 जगह जिक्र आया है, उसमें भी वो ये बोलता है our own cosmology, पेज नंबर 54 ऑनलाइन वर्जन की, our own cosmology common to Buddhism, Hinduism and Jainism in similar but only in some ways, जो cosmology है Buddhism, Hinduism की और Jainism की, this cosmology was probably brought in or created by one of the later migrants into South Asia। अब आप देख लीजिए ये बोल रहा है कि Buddhism वाले भी जो हैं बाहर से आए हुए हैं। फिर यहाँ पर इसने स्पष्ट कर दिया है when the first group of modern humans walked into India, perhaps no more than a few hundred people in groups of 20 or 25, tracking all the way from the Arabian Peninsula over hundreds of years or perhaps even a thousands or more years, did they have a cosmology? तो ये यहाँ पर इसने बोला है कि भाई अफ्रीकी लोग आए थे वो अरेबियन पेनिनसुला के थ्रू होते हुए आए थे। यहाँ पर भी इसने इस बात को कहा है, ये इसने कई जगह रिपीटेशन बहुत ज्यादा किया है। फिर ये बोलता है वी नो दैट द ओंगे इन द अंडमान आइलैंड आर डिसेंडेंट्स ऑफ द ओरिजिनल आउट ऑफ अफ्रीका माइग्रेंट्स हु मे हैव मिक्स्ड लेस विद अदर ग्रुप्स। उसका ये कहना है कि जो ओंगे है प्रजाति है वो मूलतः डायरेक्ट डिसेंडेंट है, वंशज है आउट ऑफ अफ्रीका के लोगों की। हालांकि ये सारी थ्योरीज हैं, इसका रिबटल हो चुका है, बहुत सारी किताबें लिखी जा चुकी है, पेपर्स लिखे जा चुके हैं, पर इस पे भी आएंगे। ये हैं आपके अंडमान के, लिटिल अंडमान के होंगे पीपल। पेज नंबर हम 56 पे आते तो बोलते हैं कि भाई जब एन इक्वली इंपॉर्टेंट क्वेश्चन विच हैज इम्प्लीकेशन फॉर द वे मॉडर्न ह्यूमन सेटल्ड इन डिफरेंट पार्ट ऑफ सम कॉन्टिनेंट इज दिस, जब मॉडर्न ह्यूमन सब कॉन्टिनेंट इंडियन सब कॉन्टिनेंट में आया, when they walked into India, did they run smack into archaic members of the homo species already settled without yes, तो उनके साथ में इनकी वो उनसे उनका सामना हुआ, जो आपके अफ्रीका से होमो सेपियंस आए थे उनका सामना यहाँ के उनसे जरूर हुआ था, और ये जो होमो स्पीशीज थे अब एक्सटिंक्ट हैं, अब वो नहीं है, तो यहाँ पर मूल निवासी दूसरी प्रजाति हुआ करती थी। एज उम्र 58 पे इस चीज को हाईलाइट किया है कि सो इन शॉर्ट वी नो साउथ एशिया हैड अबंडेंट प्रेजेंस ऑफ आर्काइक ह्यूमंस बट वी डू नॉट नो प्रिसाइसली हु दे वर। तो यहाँ पर जो अफ्रीका से लोग आए थे उसके पहले भी कोई लोग थे जिनका नाम आर्काइक ह्यूमन दिया है वो थे। इसी के बारे में आगे चर्चा करते हुए बोलते हैं पेज 59 पे, so it is reasonable to assume that when our ancestors
arrived at the threshold of India, they too found themselves stymied as in the Levant. तो यहाँ पर भी उनको जो पुराने लोग थे उनका इनको यहाँ पर सामना करना पड़ा है. तो ये सारे के सारे अफ्रीकी जो आज हैं सब टोनी की बुक के हिसाब से ये सब के सब जितने भी इंडिया में वो सब के सब विदेशी यानी सब अफ्रीका के हैं. तो यहाँ पर कोई अपने आप को मूल निवासी कह रहा है तो वो सही नहीं हुआ टोनी के हिसाब से. और इस बुक का ही क्योंकि रेफरेंस दिया है तो अपन इसी बुक की ही पूरी जाँच पड़ताल कर रहे हैं. तो ये क्लियर हो जाता है कि टोनी के हिसाब से जितने भी लोग यहाँ पर आए हैं वो अफ्रीका से आए, कोई अपने आप को मूल निवासी कहता है तो वो गलत है, सब अफ्रीका से आए हुए हैं. फिर इसी चीज को रिपीट करते हुए बोला गया है, सो हियर इज अ सिनेरियो दैट वी कैन पुट टुगेदर बेस्ड ऑन व्हाट वी नो अराउंड 65,000 ईयर्स अगो मॉडर्न ह्यूमंस arrived in India and are blindsided by the presence of archaic humans who have been well settled in the region of hundreds of thousands of years. यहाँ पर इस बात को दोबारा बोला गया है कि यहाँ पर पहले से लोग थे जिसको हम वो वहाँ के एक तरीके से टोनी के हिसाब से वही मूल निवासी थे और जितने भी यहाँ अपने आप को मूल निवासी कह रहे हैं कोई भी मूल निवासी नहीं है. फिर इसके बाद बोला जाता है कि this leads us to the next questions. Where are their descendants today? जो आउट ऑफ अफ्रीका से लोग आए थे उनके वंशज कहाँ हैं? How many are there? कितने हैं वो? और उनको कहाँ प्राप्त कर सकते हैं? फिर वो बोलते हैं, If you want to find their closest direct descendants living today, who haven't mixed with other population all that much, you need to go to Little Andaman Island and look up the Ongay. There are only about 100 of them left now, down from about 670 in 1900. तो यदि आपके direct descendants देने चाहिए जिनकी mixing बहुत कम हुई है और लोगों से तो वो होंगे सिर्फ अंडमान के लोग, Little Andaman Island के होंगे जाति के. एक और बढ़िया बात, यहाँ पर एक फोटो दिया गया है a woman belonging to Bonda tribe in Koraput, Odisha. The Bonda speak Remo and Austro-Asiatic language. So, Austria से जो related वाली जो है, Indo-European भी नहीं है, और जो कि Dravidian language भी नहीं है, वो है Austro-Asiatic language. यहाँ पर है एक जनजाति, Bonda जनजाति की, ये देखिए. फिर वो पेज नंबर 70 पे बोलते हैं, In India, the extinction of archaic Homo species may have happened around 35,000 years ago. उसके बाद में and Homo sapiens would have then become for the first time master of all the survey. तो उसके बाद में Homo sapiens आए, ये जो पुराने लोग थे वो अब extinct हो चुके हैं, खत्म हो चुके हैं. तो अपने आप को अभी भी कोई मूल्यवासी समझ रहा है तो वो गलती कर रहा है. फिर यहाँ पर इन्होंने अपनी किताब का पूरा सारांश दे दिया है कि यहाँ का कोई भी मूल्यवासी नहीं है, जो अपने आप को मूल्यवासी कह रहे वो भी नहीं है. तो वही बोलना चाह रहे हैं, The first paper was titled Reconstructing Indian Population History and the second was titled Genetic Evidence for Recent Population Mixture in India. Both studies emphasized one fact. दोनों studies ने एक fact को emphasize किया, Everyone in India today is a mix. हर एक बंदा, हर एक बाशिंदा इंडिया का is a mix in different proportion. किसी में कम proportion है, किसी में ज्यादा proportion है. तो यहाँ पर वो बोल रहा है, Everyone in India today is a mix. In different proportions of ancestry related to any two groups, the first Indian and the best Eurasian. तो इन दोनों के बीच की ही पूरी मिक्सिंग है, चाहे वो फर्स्ट इंडियन हो जो आउट ऑफ अफ्रीका वाले हो, चाहे वो यूरेशियन वाले हो, सबकी मिक्सिंग है यहाँ पर. फिर वो बोलता है, West Eurasian includes West Asians such as people of Fertile Crescent and Iran, as well as from Central Asia, the Caucasus and Europe. The study showed that all population groups in India today have some amount of West Eurasian ancestry. तो है और यहाँ पर लिखा है सारी population में सब में Eurasian की ancestry है, उसमें Eurasian के अंश हैं, varying from 20-80% depending upon the group. Depending करता है group पे, किस group की बात हो रही है, सब में Eurasian blood है. अच्छा इसमें एक और चीज नीचे भी लिखी है, फॉर्म कहाँ से मूव करा है इनको ये नहीं पता है. यहाँ पर लिखा whole genome sequence data of present day population give us a general picture of affinities between different groups, though not a granular picture of how that affinity came about or who moved from where to where. कौन कहाँ से कहाँ गया ये नहीं पता है.
फिर इसके बाद में हम आगे बढ़ें। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर बड़ी इम्पोर्टेंट बात है। सो व्हाट डिड इट फाइंड, जो एनालिसिस हुई है, जो 612 लोगों की डीएनए की एनालिसिस हुई है, उसके बारे में हमको क्या पता चला है। इट फाउंड दैट एन ईरानियन एग्रीकल्चरिस्ट पॉपुलेशन फ्रॉम अराउंड द ज़ाग्रस रीजन हैड कंट्रीब्यूटेड सिग्निफिकेंटली टू द एंसेस्ट्री ऑफ द इंडस पेरिफेरी पॉपुलेशन। इंडस पेरिफेरी यानी सिंधु घाटी के आसपास की जो पेरिफेरी है उसकी पॉपुलेशन जो है वो जो ईरान से जो एग्रीकल्चरिस्ट आए थे ज़ाग्रस से उन्होंने कही थी। तो जो अपने आप को सिंधु घाटी के आसपास का मूल निवासी बता रहे हैं वो भी ईरानी है। तो यहाँ पर बात हुई है, द स्टडी डिफाइंस द इंडस पेरिफेरी पॉपुलेशन एज माइग्रेंट्स फ्रॉम द हड़प्पन सिविलाइजेशन हु वर रेजिडेंट इन नेबरिंग सिटीज दैट हड़प्पन हैड ट्रेड एंड कल्चरल रिलेशन विद सच एज गोनो एंड शहर ए सोख्ता। द स्टडी शोड दैट हड़प्पन पॉपुलेशन फ्रॉम अराउंड 3100 टू 2200 बीसी हैड पार्ट एंसेस्ट्री फ्रॉम ज़ाग्रस एग्रीकल्चरिस्ट। अब यहाँ पर बिल्कुल क्लियर बोल दिया कि हड़प्पा सिविलाइजेशन में जो एंसेस्ट्री है कि उस पर ज़ाग्रस एग्रीकल्चरिस्ट यानी ईरान के लोग हैं। हड़प्पा सिविलाइजेशन का मतलब होता है कि वहाँ पर वो ईरानी लोगों का मिश्रण है। वो तो अपने आप को हड़प्पा वाले यदि बोलते हैं, यहाँ के हम मूल निवासी हैं, तो बिल्कुल गलत बोल रहे हैं, बिल्कुल बेवकूफ़ी वाली बात है इस किताब के हिसाब से। और इस किताब को दिखा दिखा के, अलग अलग पन्ने को दिखा दिखा के जो शो कर रहे हैं वो बिल्कुल गलत है। जो प्रेजेंट जो कि इंडियंस हैं और जो यूरेशियंस है, वेस्ट यूरेशियन, उनके बीच में जो एफिनिटी है, उनके बीच में जो घनिष्ठता है, वो किस लिए हुई है? मल्टीपल माइग्रेशन से हुई है। वी नाउ नो दैट देयर वाज अ माइग्रेशन ऑफ ईरानी रेजिडेंट्स फ्रॉम ज़ाग्रस रीजन टू द इंडस वैली। इसने इस चीज को बार बार रिपीट किया है, तो रिपीटेशन कई बार हो गया है इसमें। When could the mixing between Iranian agriculturalists and first Indian have taken place? कब इन लोगों के बीच में आपकी मिक्सिंग हुई है? तो एंड दैट वर्क्स आउट टू बिटवीन 4700 BC टू 3000 BC, ये इसने यहाँ पर बताया। अब यहाँ पर एक और देखिए, क्योंकि आपको पता चल गया कि हड़प्पा वाले ईरानी मिक्सिंग वाले थे, ईरानी ब्लड है उसमें, एंसेस्ट्री है। तो वेन द हड़प्पा सिविलाइजेशन फेल अपार्ट, जब हड़प्पा सिविलाइजेशन का पतन हो गया आफ्टर 1900 BC, द पीपल हु बिल्ट इट एंड केप्ट इट गोइंग फॉर सेंचुरीज स्प्रेड आउट टू द रेस्ट ऑफ द सबकॉन्टिनेंट, टू द ईस्ट एंड टू द साउथ इन पर्टिकुलर। To use the imagery with which we begin the chapter, the people of Harappan civilization, a mix of the descendants of first Indian and Iranian agriculturist migrants. फिर वही बात यहाँ पर उसने repeat करी कि हड़प्पा वाले क्या कौन थे? First Iranian, first Indian और Iranian का mixture थे। फिर again page number 101 में उसी चीज को बोला गया। Of course, we saw in chapter 2 the people of Harappan civilizations were themselves a mixture of agriculturists from the Zagros mountain of Iran and descendants of first Indians. ये बहुत क्लियर बार बार चीज को यहाँ पर उसने रिपीट किया है। फिर इसके बाद इरावतम महादेवन का फोटो दिखाते हुए ऐसे शो किया जा रहा है कि जैसे कोई थ्रिलर फिल्म, सस्पेंस फिल्म चल रही हो। अब इरावतम महादेवन जी का फोटो दिखाते हुए कुछ आक्षेप लगाए जा रहे हैं, लेकिन उन आक्षेपों को लगाने से उनकी ही पोल खुल गई। उसका कारण ये है कि इरावतम महादेवन सिंधु घाटी की लिपि को द्रविड़ियन सिद्ध करने में लगे हुए हैं। अब यदि वो द्रविड़ियन सिद्ध करना चाह रहे हैं तो इन बौद्धों की अस्तित्व पे ही प्रश्न चिन्ह उड़ जाएगा, क्योंकि पाली इंडो यूरोपियन भाषा है और द्रविड़ियन अलग भाषा है। तो अगर यदि सिंधु घाटी सभ्यता द्रविड़ियन हो गई तो ये बौद्धों की नहीं रही। और साथ ही साथ में ये हड़प्पा में मदर गॉडेस, बफेलो हॉर्न गॉड, इन सब को दिखाते हुए, सांप वगैरह इनको दिखाते हुए और फलिक सिंबल, फलिक मतलब शिवलिंग जैसा सिंबल दिखाते हुए उसको प्रियारियन सिद्ध करना चाह रहे हैं, बुद्धिस्ट सिद्ध नहीं करना चाह रहे। अब इस प्रकार महादेवन जी का जिक्र करके इन्होंने अपने अस्तित्व पे प्रश्न चिन्ह खड़े कर दिए हैं। इन्हीं के अस्तित्व पे सवाल उठ जाता है कि इन लोगों का अस्तित्व कभी था भी कि नहीं था, क्योंकि ये तो इसको द्रविड़ियन सिद्ध करने पे पूरी तरीके से तुला हुआ है। लेकिन यहाँ पर क्योंकि इसने महादेवन का फोटो दिखा दिखा के आर्यों की सभ्यता पे आक्षेप किए हैं, जिससे बौद्ध संप्रदाय पे ही पूरे प्रश्न चिन्ह खड़े हो गए हैं। एक और बात, इसने यहाँ पर अश्वों के संबंध में कुछ जो बातें कही हैं, अश्वों के संबंध में जो बातें कही हैं उसका उत्तर
राजेश कुशवाहा जी ने और अर्जुन आर्य जी ने दे दिया है, जिसका लिंक मैं नीचे दे दूंगा। और यदि मुझे लिंक नहीं मिलेगा तो मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि नीचे वो लिंक मुझे इसी वीडियो में लिंक मुझे नीचे प्रोवाइड कर दे, ताकि मैं उसको पिन कमेंट कर सकूं। फिर हम जब पेज नंबर 156 पे आते हैं तो वहां पर पीटर ए अंडरहिल का पेपर द फाइलोजेनिक एंड जियोग्राफिक स्ट्रक्चर ऑफ वाई क्रोमोसोम हैप्लोग्राफ R1a के बारे में बात हुई है। इस पेपर को भी अपन डिस्कस करेंगे। फिर उसके बाद में 157 पेज पे यहाँ पर ये R1a ग्रुप वाली बात जो इसने शुरू में कही थी उसी पर अपन बात कर ले। और यहाँ पर आगे वही वाली बात कि ओल्डेस्ट लेयर ऑफ इंडो यूरोपियन लैंग्वेज इन इंडिया यानी संस्कृत है। अब हम पीटर अंडर ही के पेपर को जरा एक बार अवलोकन कर ले। तो ये मेरे सामने अंडरहिल जी का पेपर है, इसका अपन कंक्लूजन पार्ट पढ़ लेते हैं। कंक्लूजन पार्ट में वो बोलते हैं आवर फाइलो जियोग्राफिक डाटा लीड अस टू कंक्लूड दैट द इनिशियल एपिसोड्स ऑफ R1am 420 diversification occurred in the vicinity of Iran and eastern Turkey, and we estimate that diversification downstream of M417 occurred 5,800 years ago. This suggests the possibility of R1a lineages, a complete demic expansions initiated during the copper, bronze and iron ages, partially replacing previous Y chromosome strata, an interpretation consistent with albeit limited ancient DNA एविडेंस। उसने कहा है कि ये हमको पॉसिबिलिटी लगती है, यहाँ पर लिखा है पॉसिबिलिटी कि यहाँ पर एक्सपांशन हुआ है R1a लाइनेजेस का। और साथ ही साथ में उसने एक और चीज भी बोल दी कि हमारे पास में जो लिमिटेड एंशियंट डीएनए एविडेंस है, तो इसीलिए हाउएवर आवर डाटा डू नॉट इनेबल अस टू डायरेक्टली अस्क्राइब द पैटर्न ऑफ R1a ज्योग्राफिक स्प्रेड टू स्पेसिफिक प्री हिस्टोरिक कल्चर्स और मोर रिसेंट डेमोग्राफिक इवेंट्स। तो उसने साफ बोल दिया है कि हमारा जो डाटा है इतना लिमिटेड है जो हमको नहीं बता पा रहा है कि R1a का स्प्रेड कैसे हुआ है। अंडरहिल ने साफ कहा है हाई थ्रूपुट सिक्वेंसिंग स्टडीज ऑफ मोर R1a लाइनेजेस विल लीड टू फर्दर इनसाइट इनटू द स्ट्रक्चर ऑफ अंडरलाइन ट्री। और यदि हम फर्दर हमको और स्टडी होंगी तब हमको एक्चुअल में पता चलेगा क्या है। एंड एंशिएंट डीएनए स्पेसिमेन विल हेल्प एडजुडिकेट द मॉलिक्यूलर क्लॉक कैलिब्रेशन। टुगेदर दीज एडवांसमेंट्स विल यील्ड मोर रिफाइंड इन्फ्रेंसेस अबाउट प्री हिस्टोरिक डिस्पर्सल्स ऑफ पीपल्स देयर मटेरियल कल्चर्स एंड लैंग्वेजेस। तो यहाँ पर इसने साफ बोल दिया है अपने कंक्लूजन में कि हमारे पास में लिमिटेड डाटा के कारण हम नहीं बता सकते कि किसका स्प्रेड कहाँ हुआ है। किस तरीके से सिलेक्टिव डाटा लिया जाता है और अपना झूठा प्रोपेगेंडा इस्तेमाल किया जाता है अपन अभी देखेंगे। अब मैं आपको इस किताब के ही कुछ रेफरेंसेस शो करूंगा और बताऊंगा कि उनमें क्या लिखा है, साथ ही साथ में और भी पीयर रिव्यूड जर्नल के पेपर्स भी आपको शो करूंगा कि वो क्या कहते हैं R1a के बारे में, जिससे इनकी पोल पूरी तरीके से खुल जाएगी कि R1a कोई क्राइटेरिया नहीं है किसी को बाहर का साबित करने के लिए। तो मेरे पास में जैसे ये टूरी जोसेफ की बुक है, इसके अंदर ही मैं जब देखता हूँ तो पेज नंबर 212 पर सेन गुप्ता का रेफरेंस भी आता है। अब यहाँ पर अपन सेन गुप्ता का रेफरेंस को भी देख लेंगे, पोलैरिटी एंड टेम्पोरैलिटी ऑफ हाई रेजोल्यूशन Y chromosome distributions in India, identify both indigenous and exogenous expansions and reveal minor genetic influence of Central Asian pastoralists. जर्नल का नाम है अमेरिकन जर्नल ऑफ ह्यूमन जेनेटिक्स, फरवरी 2006 में ये छपा है। तो इस पेपर को भी हम अभी देख लेते हैं। तो फाइनली ये मेरे पास में पेपर है, पोलैरिटी एंड टाइपोलैरिटी ऑफ हाई रिजोल्यूशन वाई क्रोमोसोम, ये सेन गुप्ता जी का पेपर है। तो इस पेपर को जब हम पढ़ते हैं तो यहाँ पर आगे बढ़ने पे पेज नंबर टेबल नंबर 6 है और इसका ये पेज नंबर 208
हार्ट पे आता है। यहाँ पर आप जब R1A1M017 की बात करते हैं तो यहाँ पर कुछ तथ्य दिए गए हैं, इन तथ्यों की अपन बात कर लें। तो यहाँ पर आप देखें, ये मेरे पास में टेबल है, इसमें अपन तीन भाग में इसमें डिवाइड किया है, ट्राइब, ड्रविडियन कास्ट, इंडो यूरोपियन कास्ट। इसमें यदि अपन देखें तो लास्ट वाले कॉलम में देखें कि मिडिल क्लास में 10.42 है, लोअर कास्ट में 26% है। इसका मतलब है लोअर कास्ट वाले विदेशी हो गए एज कम्पेयर टू मिडिल कास्ट, ये इनका लॉजिक बोलता है। हमारे हिसाब से तो सब इंडियन है, इनके लॉजिक के हिसाब से, क्योंकि दे हैव द टू टाइम्स, उनके पास टू टाइम्स है R1A1 एज कम्पेयर टू मिडिल क्लास, तो लोअर कास्ट वाले सारे के सारे विदेशी हो गए। इसी तरीके से यदि हम यहाँ पर बात करें, यदि द्रविड़ियन कास्ट में बात करें तो द्रविड़ियन में अपर में 28, मिडिल में 11.76, लोअर में 24 है। अब यदि मिडिल की बात करें तो मिडिल में तो 11 है, तो इसका मतलब ये हो गया कि जो लोअर कास्ट वाला है इंडो यूरोपियन वाला, वो विदेशी हो गया। यदि इनका लॉजिक ही लगाया जाए तो लोअर कास्ट वाला इवन द्रविड़ियन में भी 24 है, तो वो भी डबल हो गया, तो वो भी बाहर का हो गया। ट्राइब्स में देखा जाए तो 19, 4 और 2, तो अगेन यहाँ पर भी ट्राइब में जो इंडो यूरोपियन है वो 19 है, द्रविड़ियन लगभग 3% के आसपास है, 2.78, टिबेटो बर्मन 4.6, तो इन सब का जो है 2.76 या 4.6 ये तो कम है एज कम्पेयर टू 26 या 24, तो इसका मतलब है वो कि ये विदेशी हो गए एज कम्पेयर टू ट्राइब्स, जितने भी लोअर कास्ट वाले वो तो विदेशी हो गए। यदि इनका लॉजिक को ही अपन इस्तेमाल करें तो हमारे हिसाब से तो सब इंडियन है। इसी तरीके से हम जब दूसरी रिसर्च पर जाते हैं, ये ओरिजिनल आर्टिकल है एनल्स ऑफ ह्यूमन बायोलॉजी का 2009 का पेपर, जाओ जी का पेपर है ये। इसके जब हम पेज नंबर 4 पर जाते हैं तो यहाँ पर भी हमें कुछ तथ्य मिलते हैं जो इन पौधों के दावों की पोल खोल देगा। पेज नंबर 4 पे जब हम जाते हैं तो आप देखिए यहाँ पर आपको बहुत सारे तथ्य देखने को मिलेंगे। यहाँ पर R1A1 स्टार के बारे में बताया गया है, भार्गव्स में 22 है, चतुर्वेदी में 21 है, नॉर्मल ब्राह्मण्स में जिनका 118 का सैंपल है उसमें 33 है, शिया में 24 है, सुन्नी में 30 है। तो आप देख सकते हैं कि शिया में ये 24 है एज कम्पेयर टू भार्गव और चतुर्वेदी, तो जिसमें R1A1 ज्यादा हो गया वो तो बाहर का हो गया, सुन्नी में तो 30 हो गया, तो सुन्नी तो बिल्कुल विदेशी हो गए। यदि नव बौद्धों का लॉजिक इस्तेमाल किया जाए तो सबसे ज्यादा तो सुन्नी में मिल गया, इस पेपर की यदि हम एनालिसिस करें तो सबसे ज्यादा सुन्नी में मिल गया। तो इस तरह के फर्जी दावों को हमको बेनकाब करना है। पर नेक्स्ट हम जिस आर्टिकल की बात कर रहे हैं, जिस रिसर्च आर्टिकल की हम बात कर रहे हैं, वो है जर्नल ऑफ ह्यूमन जेनेटिक्स 2009 का पेपर। ये है द इंडियन ओरिजिन ऑफ पैटर्नल हैप्टोग्राफ R1A1 सब्सटेंशिएट्स द ऑटोक्रोनस ओरिजिन ऑफ ब्राह्मिन एंड द कास्ट सिस्टम। अब यहाँ पर ये जो पेपर है सरकार शर्मा का पेपर है, इसमें हम यदि आगे बात करें तो यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर इन्हें एक टेबल प्रेजेंट की है। अब आप इसको देख के आप लोगों को बड़ा आश्चर्य होगा और इन नव बौद्धों के सारे दावों की पोल खुल जाएगी। जम्मू एंड कश्मीर के पंडितों में R1A1 19.61 और गुर्जर में 40.86%। तो आप देखिए गुर्जरों का 40.86 और जम्मू एंड कश्मीर के कश्मीरी पंडितों का 19.61, इस हिसाब से गुर्जर जो हो गए वो विदेशी हो गए। मतलब नव बौद्धों का यदि लॉजिक लगाया जाए तो गुर्जर विदेशी हो गए। अब पंजाब के ब्राह्मण का है 35.7, भाई इतना हायर परसेंटेज है। ये देखिए ब्राह्मणों में भी कितना चेंजेस है, उत्तर प्रदेश के ब्राह्मण का 67%, जम्मू कश्मीर के पंडितों का 19.61, पंजाब के ब्राह्मण का 35.71। इसी तरीके से यदि हम आगे बढ़े और यहाँ पर देखिए मध्य प्रदेश के सहारिया जो जनजाति है उसका 28%, मतलब इतना हाई है। फिर इसके बाद में हम यदि बात करें बिहार के पासवान का 40% और कश्मीरी पंडित का 19%, तो
इससे आप हिसाब लगा सकते हैं कि कितना R1A1 इज नॉट अ क्राइटेरिया टू डिक्लेयर समवन इज आउटसाइडर। वही जब पंजाब के ब्राह्मण का 35 आ रहा है, मध्य प्रदेश के सारिया का 28 आ रहा है, बिहार के पासवान का 40 आ रहा है, वेस्ट बंगाल के ब्राह्मण का 72, बिहार के ब्राह्मण का 60। अब आप देख सकते हैं ये कोई क्राइटेरिया नहीं है। महाराष्ट्र के ब्राह्मण का 43 आ रहा है और गुजरात की का 32 आ रहा है, तो ये दिस इज नॉट अ क्राइटेरिया। यदि गुजरात के ब्राह्मण का 32 है और पासवान जाति का 40 आ रहा है, 40 आ रहा है, तो दिस इज नॉट अ क्राइटेरिया टू डिक्लेयर समवन कि वो आउटसाइडर है। तो ये हमने एक आपको एक और रिसर्च आर्टिकल दिखाया। अब यहाँ पर एक और रिसर्च पेपर है, द जेनेटिक हेरिटेज ऑफ द अर्लीस्ट सेटलर्स परसिस्ट बोथ इन इंडिया ट्राइबल एंड कास्ट पॉपुलेशन। ये अमेरिकन जर्नल है और 2003 का पेपर है और किविसिल्जी का पेपर है। इसमें जब हम इसके एब्स्ट्रैक्ट में जाते हैं तो यहाँ पर इसने साफ लिखा है, हैप्लो ग्रुप R1A प्रीवियसली एसोसिएटेड विद द प्यूटेटिव इंडो आर्यन इन्वेजन वॉज फाउंड एज इट्स हाइएस्ट फ्रिक्वेंसी इन पंजाब बट ऑल्सो एट ए रिलेटिवली हाई फ्रिक्वेंसी 26% इन द चेंचू ट्राइब। इसका ये कहना है कि चेंचू ट्राइब जो इंडिया की है, जो चेंचू आदिवासी जनजाति है, उसमें भी R1A का परसेंटेज बहुत हाई पाया गया है। तो ये एक और यहाँ पर मुद्दा अपने पास में आ गया कि जहाँ की जो जनजातियाँ हैं, जैसे सहारिया जनजाति हो गई, चेंचू जनजाति हो गई, इन सब में भी R1A बहुत ज़्यादा है। तो इससे अपन को पता चलता है कि R1A बेसिकली इंडिया से ही ओरिजिनेट हुआ है। अब हम एक और रिसर्च आर्टिकल का अवलोकन करते हैं। तो यहाँ पर ही मेरे पास में यूरोपियन जर्नल ऑफ ह्यूमन जेनेटिक्स 2010 का एक पेपर है, दैट इज द ट्रेसेस ऑफ सब सहारन एंड मिडिल ईस्टर्न लाइनेजेस इन इंडियन मुस्लिम पॉपुलेशंस। मैकमिलन पब्लिशर्स हैं और ये ईश्वर कांत का पेपर है। तो यहाँ पर जब हम आगे बढ़ते हैं तो इसी आर्टिकल में पेज नंबर सिक्स पर जब हम जाते हैं तो हमको कुछ डाटा देखने को मिलते हैं। ये डाटा है तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इंडियन शिया में R1A1 27.9, फिर इंडियन सुन्नी में दैट इज 39.5। और हमने जो अभी पहले एक आर्टिकल देखा था उसमें इंडिया की इंडो यूरोपियन लोअर कास्ट में ये 26 था, दाऊदी बोहरा तमिलनाडु 53.9, दाऊदी बोहरा गुजराती दैट इज 30, मैपला ये भी मुस्लिम कम्युनिटी इसका 32.5। और यहाँ पर देखें इंडियन नॉन मुस्लिम्स इनका हम देखें तो यहाँ पर है 15.8। तो ये जितने भी मुस्लिम कास्ट के बारे में बताया गया है उनका डाटा बहुत ज़्यादा है, उनका परसेंटेज बहुत ज़्यादा है। तो इवन ये 27.9, 39.5, 53.9, 30 और 32.5 ये सब का सब इंडियन जो लोअर कास्ट जो हमने पेपर देखा था उसमें इंडियन लोअर कास्ट का 26 था, तो ये सारे के सारे इनके हिसाब से विदेशी हो जाने चाहिए। तो यहाँ पर जय भीम जय भीम की फिलॉसफी काम नहीं आ रही। हम पुनः टोनी जोसेफ की बुक पर आते हैं और यहाँ पर पेज नंबर 164 ऑनलाइन वर्जन में यहाँ पर अगेन वही बात रिपीट करी है, जब उन्होंने द हॉर्स द वील एंड लैंग्वेज बुक के बारे में बताते हुए उन्होंने बताया है कि ऋग्वेदा द अर्लीस्ट ऑफ द वेदास वेरियसली डेटेड टू समटाइम बिटवीन 1700 BCE एंड 1100 BCE। अगेन देखिए यहाँ पर उन्होंने फिर बता दिया कि ऋग्वेद की डेट इनके हिसाब से 1700 BCE से 1100 BCE है। तो ये जो लोग बोलते थे वेदों के बारे में प्रश्न उठाते थे और इस किताब को उद्धरण देते थे, उनको भी उत्तर मिल गया होगा कि वेदों की जो इन्होंने डेट बताई है वो 1700 BCE से 1100 BCE है, बिफोर
कॉमन एरा। फिर अगेन पेज नंबर 170 पे अगेन हड़प्पन सभ्यता के पतन का कारण यहाँ पर प्रोलॉन्ग ड्रॉट यानी कि एक लंबे अरसे का सूखा माना गया है। तो यहाँ पर ये कहना बिल्कुल गलत है कि आर्यों का कोई आक्रमण हुआ था। तो यहाँ पर ही पेज नंबर 180 पे ये बताते हैं कि यहाँ पर हड़प्पन साइट में एक ऐसा वेस मिला है जिसमें एक कौए और मटके की कहानी जो कि हमने पंचतंत्र में पढ़ी थी उसका एक पिक्टोरियल व्यू है उसका एक। तो यहाँ पर एक पेंटिंग है जिसमें जो कौआ है और जो पिचर वाली कहानी पिचर यानी मटके मटके वाली कहानी जो पंचतंत्र में आती वो भी यहाँ पर हमको मिली है ये इसमें 180 पन्ने पे। फिर यहीं पर ही इन्होंने अपनी असमर्थता बताई है कि वी डू नॉट नो व्हाट रूट्स द आर्यन माइग्रेंट्स टू, उनको यही नहीं पता है कि आर्यन किस रूट से आए थे किस रास्ते से आए थे और कितने ग्रुप में आए थे, उनको ये भी नहीं पता कि कितने ग्रुप में आए थे और किस टाइम पीरियड में आए थे। यहाँ पर साफ उन्होंने लिख दिया है एज मेंशन अर्लियर वी डू नॉट नो व्हाट रूट्स द आर्यन माइग्रेंट्स टू और हाउ मेनी ग्रुप्स देयर माइट हैव बीन और फॉर व्हाट पीरियड द माइग्रेशंस मे हैव कंटिन्यूड। सही मायने में इस पुस्तक का रेफरेंस लेके ना बौद्धों ने अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मार दी है। यहीं पर ही लिखते हुए बोलते हैं संस्कृत के बारे में बात चल रही है द ग्रामेरियन पतंजलि आस्क्स एन इंटरेस्टिंग क्वेश्चन एंड देन आंसर्स इट हिमसेल्फ इन हिज कमेंट्री महाभाष्य रिटन अराउंड 150 BC। तो महाभाष्य तो यहाँ पर जो ग्रामर लिखी गई है संस्कृत के ऊपर पतंजलि के द्वारा वो 150 BC में लिखी गई है। ये संस्कृत को अभी का नया बता रहे थे और यहाँ पर ये बात कर रहा है कि 150 BC की संस्कृत ये लोग खुद ही बता रहे हैं यहाँ। और यहीं पर ही उन्होंने आर्यों की भूमि के बारे में भी जिक्र किया है कि आर्यों की भूमि कहाँ पर है, ये गंगा के आसपास का यमुना के आसपास का एरिया ये आर्यों का ही एरिया है। फिर इसके बाद में हम आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर ये जो अपने आप को बहुत बहुत बड़े 30 मार्क कहाँ समझ रहे थे तो इसी पर यहीं पर पेज नंबर 191 पे वो बताते हैं दिस वॉज द रीजन कॉल्ड मगध एंड गेव राइज टू बोथ जैनिज्म एंड बुद्धिज्म बिटवीन द 7th एंड 5th सेंचुरी BC। तो ये जो बौद्ध धर्म को बहुत पुराना बता रहे थे ये तो किताब वाला बता रहा है कि ये 7वीं से 5वीं शताब्दी ईस्वी पूर्व के ही है मात्र। बुद्धिज्म इज डेटेड बिटवीन द 6th एंड 4th सेंचुरी BC। ये बोल रहा है कि बुद्धिज्म जो है वो 6ठी शताब्दी ईस्वी पूर्व से 4थी शताब्दी ईस्वी पूर्व और जैनिज्म तो उससे भी पुराना हो गया। ये ना बौद्धों के ने तो अपने पैरों पर पूरी कुल्हाड़ी मारी है या कुल्हाड़ी पे पैर रख दिया है इस किताब का जिक्र करके, ये तो खुद बोल रहा है। और जैनिज्म बहुत पुराना बता है, जैनिज्म टू बिटवीन द 7th एंड 5th सेंचुरी BC वो 7वीं से 5वीं शताब्दी के बीच का है। फिर यहीं पर शुंग को ये ब्राह्मण बता रहे हैं इट वॉज ओनली विद द शुंगास हु वर ब्राह्मिंस देमसेल्फ दैट ब्राह्मिंस मे हैव बिगन टू ऑक्यूपाई द प्लेस इन सोसाइटी व्हिच दे थॉट वाज राइटफुली देयर्स। तो यहाँ पर अगेन शुंग को भी इसने ब्राह्मण बता दिया। फिर इसके बाद में यहाँ पर आगे बात करते हुए पेज नंबर 192 पे बोलते हैं ये द मानव धर्म शास्त्र मनुस्मृति को इन्होंने डेट बताई है 3rd सेंचुरी कॉमन एरा की। अभी तो बोल रहे थे संस्कृत में मनुस्मृति लिखी हुई है तो ये लोग नया बता रहे थे तो 3rd सेंचुरी का बता रहे थे। यहाँ पर एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग पैराग्राफ है, ये बोलते हैं द स्टडी शोड दैट बिटवीन 2200 BC एंड 100 कॉमन एरा there was extensive admixture between the different Indian populations with the result that almost all Indians had acquired first Indian Harappan and steppe ancestry though of course to varying degrees. तो यहाँ पर इन्होंने बिल्कुल स्पष्ट कहा है कि 2200 before common era से लेकर 100वीं common era 100 common era के बीच में जितनी भी population है सबका mixture हो चुका है जो कि फर्स्ट इंडियन हड़प्पन और स्टेप एंसेस्ट्री वाले हैं सभी का हो चुका है, किसी में कम है किसी में ज्यादा है लेकिन सब में मिक्सचर हो चुका है। यहाँ क्लियरली लिखा है कि ऑल इंडियंस हैड एक्वायर्ड फर्स्ट इंडियन हड़प्पन एंड स्टेप एंसेस्ट्री। फिर इसने ये भी कहा है दैट नियरली ऑल ग्रुप्स एक्सपीरियंस मेजर मिक्सचर इन लास्ट फ्यू थाउजेंड ईयर्स इंक्लूडिंग ट्राइबल ग्रुप्स लाइक भील चमार एंड कलार दैट माइट बी एक्सपेक्ट टू बी मोर आइसोलेटेड। तो चाहे वो भील हो चाहे चमार हो चाहे कलार हो कोई भी हो सभी का एडमिक्सचर हो चुका है। यहाँ पर एक बहुत बढ़िया चीज लिखी है, यहाँ पर आप ध्यान से देखें, इसने बोला कि सो अम्बेडकर वॉज राइट वेन ही स्टेटेड दैट शूद्रास
were not genetically different from the rest of the Indian caste society. इस किताब को लेके इन्होंने अपनी मुसीबत पाल ली है. So Ambedkar was right when he stated that the Shudras were not genetically different from the rest of the Indian caste society. तो अपने आप को अलग समझने वाले नवबौद्ध ने इस किताब को रिफर करके अपनी ही मुसीबत बुला ली है. अब यहाँ पर लिखा है द 5 or 6 सेंचुरी बिफोर द बिगिनिंग ऑफ कॉमन एरा. ये बोलता है बिफोर कॉमन एरा है ना, बिफोर क्राइस्ट बीसी, बिफोर कॉमन एरा से 5th-6th सेंचुरी कॉमन एरा से लेकर कुछ सदी तक में हमारे पास में उपनिषद लिखे गए थे. ये यहाँ पर बोल रहा है. ठीक है, तो यहाँ पर संस्कृत का ये बिल्कुल साफ क्लियर कट बात कह रहा है. यहाँ पर मैं स्पष्ट कर दूं कि आर्यन माइग्रेशन थ्योरी से हम बिल्कुल भी इत्तेफाक नहीं रखते हैं. इस वीडियो को बनाने का उद्देश्य दावों की पोल खोलना है कि वो कोई अलग से प्राणी है या मूल निवासी है. तो यहाँ पर इस पे हमने बिल्कुल स्पष्ट कर दिया. यदि आप इस पुस्तक को रेफर करते हैं जो कि इन लोगों ने रेफर किया है, तो इन लोगों ने ढंग से पढ़ा नहीं है. तो ये पुस्तक जो कह रही है हमने उस पर वीडियो बनाया है. तो मेरा आपसे निवेदन है कि मैं आपको कुछ नीचे लिंक भेज दूंगा जिसमें श्री राजवेदम जी का एक वीडियो होगा, आप उसको पूरा तरीके से देखें, जिसमें उन्होंने बताया कि किस तरीके से टोनी जोसेफ की थ्योरी गलत है, किस तरीके से सिलेक्टिव डाटा का यूज किया गया है. अब हम देखते हैं कि किस तरीके से टोनी जोसेफ लोगों को बेवकूफ बना रहा है. यहाँ पर पेज नंबर 94 पे वो लिखता है कि सिंस नो एंशियंट डीएनए हैज बीन रिकवर्ड फ्रॉम द हड़प्पन सिविलाइजेशन एरिया सो फार. भाई साहब ने अब तक कोई भी डीएनए हड़प्पन सिविलाइजेशन का नहीं प्राप्त किया है, उसके बावजूद भी उन्होंने लंबी लंबी कहानियां फेंक मारी हैं. इसके बाद में जब वो बोलता है कि इसने सिर्फ तीन आउटलियर सैंपल किए, आउटलियर मतलब आउटसाइड प्रॉक्सिमिटी में, आउटसाइड हड़प्पन सिविलाइजेशन के सिर्फ 3 सैंपल के आधार पर लंबी चौड़ी कहानियां इन्होंने दे मारी हैं. इसके साथ साथ में मैं आपको प्रेरित करूंगा कि आप डॉक्टर राजवेदम का लेक्चर जो काफी लंबा है उसको रिफर करें, जिसका लिंक मैं नीचे दे दूंगा. उन्होंने बताया है कि कैसे सिलेक्टिव डाटा का इस्तेमाल किया गया है एनालिसिस में, और किस मैथमेटिकल मॉडल का यूज करना है उसकी कोई क्लैरिटी नहीं है, इसलिए इन सारी एनालिसिस का कोई भी अर्थ नहीं बनता है. और साथ ही साथ में हमने भी यहाँ पर बताया कि किस तरीके से टोनी ने सेलेक्टिव पेपर्स का इस्तेमाल किया है. हमने वो पेपर्स भी बताए जिसमें R1A के बारे में अलग जानकारी दी है, इसलिए इसकी जो भी एनालिसिस है उसका कोई भी अर्थ नहीं बनता है. साथ ही साथ में यह भी हम कहना चाहेंगे कि हड़प्पन स्क्रिप्ट को अभी तक पढ़ा नहीं गया है, फिर भी उसके बावजूद लोगों ने अपने हिसाब से उसकी कुछ भी ऊट पटांग व्याख्या कर दी है जिसका कोई अगेन अर्थ नहीं बनता है. अब हम कुछ और तथ्यों पर प्रकाश डालना चाहेंगे, जैसे कि डीएनए हमको ज्योग्राफी के बारे में बता सकता है लेकिन कभी भी मूवमेंट के बारे में नहीं बता सकता कि किस मूवमेंट में कौन सा गया है. और साथ ही साथ में मूवमेंट का कोई भाषा से ताल्लुक है भी कि नहीं है, ये भी स्थापित करना बड़ा मुश्किल है. क्योंकि यदि हम अमेरिका में ही देखें, अमेरिका में जो वहाँ के जो नेटिव लोग हैं यदि वो अंग्रेजी बोलते हैं जो कि अंग्रेजों के द्वारा लाई गई थी, या स्पेनिश बोलते हैं जो कि स्पेन में स्पेन से आई थी, तो उनके अंग्रेजी बोलने से उनकी डीएनए को हम नहीं पहचान सकते. इसी प्रकार जैसे संस्कृत बोलना और उसका डीएनए अलग, इसी तरीके से अंग्रेजी बोलना और उसका डीएनए अलग, ये कोई बात तार्किक नहीं है. इसी तरीके से हम ये भी कह सकते हैं कि यदि कोई कल्चर, मान लो बुद्धिज्म के कल्चर चाइना में गया है या साउथ ईस्टर्न कंट्रीज में गया है, तो वहाँ पर जाने से ये नहीं कहा जा सकता कि वहाँ के लोग इंडिया के लोग चाइना में गए या इंडिया के लोग साउथ ईस्टर्न एशियन कंट्रीज में गए. तो भाषाई आधार को लेना बिल्कुल गलत है.
इतिहास में हमें ये पता चलता है कि इस एरिया में पूरे में इंडो यूरोपियन भाषा ही बोली जाती थी, ऐसा कोई प्रमाण नहीं है कि यहाँ पर कोई और भाषा बोली जाती रही हो। इसलिए ऐतिहासिक रूप से भी हमें जो देखा जाए, जो हमारे पास में अभी तक का रिकॉर्ड है उसके हिसाब से इस पूरे एरिया में सिंधु घाटी वाले और इसके आसपास गंगा वाले एरिया तक में सब जगह इंडो यूरोपियन भाषा ही बोली जाती थी, इसके अलावा कोई भाषा नहीं बोली जाती थी। इसलिए हम ये कह सकते हैं कि जो इंडो यूरोपियन यहाँ के जो संस्कृत भाषी हैं वो यहीं के मूल निवासी हैं। साथ ही साथ में हमको एक चीज़ और पता चलती है कि जो चेंचू ट्राइब है आंध्र प्रदेश की और जो सहारिया ट्राइब है मध्य प्रदेश की, उसमें आर वन ए का प्रपोर्शन बहुत ज़्यादा है। और जो चेंचू ट्राइब है वो द्रविड़ियन लैंग्वेज को बोलती है और सहारियन जो है वो ऑस्ट्रियो एशियाटिक लैंग्वेज को बोलती हो, जिन्होंने अभी फिलहाल में इंडो यूरोपियन भाषा को अडॉप्ट कर लिया है। इसलिए अपन ये कह सकते हैं कि भाषाई आधार और आर वन ए कोई आधार नहीं है जिसके जिससे हम बोल सकें कि कोई बाहर का है कि कोई मूल निवासी है। ऐसा स्टडीज में भी आता है कि हड़प्पन सिविलाइजेशन की आबादी 5 मिलियन से भी अधिक थी जब वो अपने पीक पर थी। तो इसलिए पेरिफरी के यानी कि थोड़े बाहर के डीएनए के आधार पर कोई भी सिद्धांत को प्रतिपादित करना मूर्खता के सिवा और कुछ नहीं है। अब हम इन तथ्यों को और तरीके से समझ सकते हैं कि इंडिया में हजारों साल से कई आक्रमण हुए, सिथियन आए, ग्रीक आए, कुषाण आए, हूण आए, अरब आए, तुर्क आए, अफगानी आए, इवन इथियोपियन स्लेव सोल्जर्स इसके साथ में फारस से भी आए, कई हमले हुए। इसके अलावा कई सीरियन क्रिश्चियंस भी इस देश में आए, लेकिन उन सब ने यहाँ की लोकल भाषा को अपनाया, किसी ने भी अपनी भाषा को यहाँ पर स्थापित नहीं किया। इस तरीके से अपन ये कह सकते हैं कि बाहर से कोई आके अपनी भाषा को यहाँ पर स्थापित करे, ये कहना एकदम मूर्खता है। इसलिए हम ये कह सकते हैं कि यहाँ की जो भाषा संस्कृत है वो यहाँ की मूल भाषा है और बाहर से कहीं से नहीं आई है। अब हम टोनी जोसेफ की ही बुक से पेज नंबर 108 पे देखते हैं कि जो हड़प्पन सिविलाइजेशन वाले लोग हैं वो आफ्टर लाइफ अर्थात मृत्यु उपरांत जीवन पर विश्वास करते थे। तो यहाँ पर वो लिखता है पेज नंबर 108 पे ऑनलाइन वर्जन, इन द हड़प्पन सिविलाइजेशन बाय कंट्रास्ट बरियल्स आर ऑफन अकम्पनीड बाय पॉटरी कंटेनिंग फूड फॉर आफ्टर लाइफ। तो ये बौद्ध लोग तो आत्मा नहीं मानते, पुनर्जन्म नहीं मानते, ये ऐसा कह रहे थे जो नव बौद्ध हैं, खासतौर से बौद्ध नहीं कहना चाहिए, नव बौद्ध जो साइंटिफिक टेम्परामेंट वाले हैं, तो वो तो आफ्टर लाइफ मृत्यु उपरांत जीवन नहीं मानते हैं। तो लेकिन ये लोग तो मृत्यु उपरांत जीवन मान रहे हैं और ये बोल रहे हैं, इन द हड़प्पन सिविलाइजेशन बाय कंट्रास्ट बरियल्स आर ऑफन अकम्पनीड बाय पॉटरी कंटेनिंग फूड फॉर द आफ्टर लाइफ एंड नॉट मच मोर दो पीपल वर ऑफन इंटर्ड विद देयर पर्सनल ऑर्नामेंट। फिर यहाँ पर जो बात करते हैं कि टोनी की बुक में ही 110 पन्ने पे जो नव बौद्ध बात करते हैं कि वायलेंस या लोग हथियार नहीं चलाते थे, तो यहाँ पर ये हथियार चलाने वाले दो व्यक्ति दिखाई दे रहे हैं यहाँ पर, और बीच में एक स्त्री दिखाई दे रही है। तो यहाँ पर अपन कह सकते हैं कि ये हथियारों का प्रयोग भी करते थे। फिर इसके बाद में यहाँ पर 109-110 पन्ने पे ही ये लिखा है कि देयर इज नो एविडेंस दैट एनी ऑफ इट्स सिटीज वर अटैक्ड और बर्न डाउन। ऐसा कोई चिन्ह नहीं मिलता है जिससे हमें पता चले कि हड़प्पन सिविलाइजेशन को पे कोई हमला हुआ है या इसको कोई जलाया गया है, ऐसा कोई चिन्ह हमको नहीं मिलता है। साथ ही साथ में 115 पन्ने पे यहाँ पर लिखा है कि द इंडस वैली वी फाइंड हंड्रेड्स ऑफ थाउजेंड्स ऑफ बैंगल्स, चूड़ियों का यहाँ पर प्रचलन था। तो यहाँ पर ये लोग तो कुछ मानते नहीं है सब चीज़ों को, हमारे यहाँ सुहाग का प्रतीक है चूड़ियाँ, तो ये चूड़ियों का भी यहाँ पर मिलना बताता है कि ये एक सनातन हिंदू संस्कृति थी। अब यहाँ पर एक और चीज है कि जो हड़प्पन सिविलाइजेशन वाले हैं उनके पास जो सील है उस पर एक यूनिकॉर्न है। ये साइंटिफिक टेम्परामेंट वाले तो यूनिकॉर्न को मानते नहीं है, तो इनकी तो ये सभ्यता हो ही नहीं सकती है। तो यहाँ पर लिखा है, फॉर एग्जाम्पल द कॉमनेस्ट सील इन द हड़प्पन सिविलाइजेशन अबाउट 60% ऑफ ऑल सील्स एवर रिकवर्ड हैज द इमेज ऑफ एन यूनिकॉर्न।
फिर यहाँ पर हम पहले भी इस चीज़ को डिस्कस कर चुके हैं कि यहाँ पर जो योगा टाइप की एक पोजीशन में है डीटी देवता, तो यहाँ पर ये शिव जी के पशुपति जिसको कई बार बोला गया है, कई और जगह पर पशुपति बोला गया है। यहाँ पर एक और बहुत बढ़िया चीज़ मैं आपको बताता हूँ, यहाँ पर एक बहुत बढ़िया फिगर है यहाँ पर जो कि सारे के सारे तथ्यों पे बिल्कुल स्थापित कर देगा कि ये वैदिक सभ्यता है। यहाँ पर इन सब चित्रों के नीचे सात ऋषियों के फोटो हैं, सात फिगर्स हैं जिसको हम साफ तौर पे बोल सकते हैं ये सप्तऋषि के अलावा कुछ नहीं है। तो यहाँ पर एट द बॉटम द सी देयर आर सेवन फिगर्स इन प्रोसेशन, तो यहाँ पर ये बहुत क्लियर बात है कि ये जो है सप्तऋषि की ही बात हो रही है। तो यहाँ पर पेज नंबर 127 पे हमको एक कलाकृति मिलती है जो कि हड़प्पा सिविलाइजेशन से हमें प्राप्त हुई है। तो इस फिगर को देखकर हम ये कह सकते हैं कि ये जो युद्ध हो रहा है ये महिषासुर और देवताओं के बीच का युद्ध के बारे में बताया जा रहा है। साथ ही साथ में यहाँ पर ये जो राइट साइड में योगा के पोज में व्यक्ति है वो भगवान शिव के अलावा और कोई नहीं है, इसलिए इस कलाकृति के द्वारा भी हम कह सकते हैं कि वह जो सभ्यता है हड़प्पन सभ्यता वैदिक हिंदू सभ्यता ही है। अगेन यहाँ पर एक सी दिखाई गई है सेवन वर्टिकल स्ट्रोक्स के द्वारा फॉलोड बाय फिश। यहाँ पर अगेन ये सप्तऋषि के, क्योंकि यहाँ पर भी अगेन सात चिन्ह दिखाई दे रहे हैं तो ये सप्तऋषि की संभावना होने की बहुत अधिक चांसेस हैं। यहाँ पर ऊर्जा मेजर भी लिखा है, कॉन्स्टेलेशन ऑफ ऊर्जा मेजर भी लिखा है। यहाँ हम देख रहे हैं ऊपर सिंधु घाटी सभ्यता से प्राप्त चित्र है और नीचे ये कंबोडिया से प्राप्त 10वीं शताब्दी का मूर्ति कला है। यहाँ पर हम देखें ऊपर सिंधु घाटी सभ्यता से प्राप्त कुछ कलाकृति है जिसमें दो व्यक्ति एक स्त्री के लिए लड़ रहे हैं। इसी तरीके से नीचे की तरफ में कंबोडिया से प्राप्त 10वीं शताब्दी की एक कलाकृति है जिसमें दो व्यक्ति एक स्त्री के लिए लड़ रहे हैं। और ये सब व्यतीत है कि नीचे वाली जो प्रकृति है वो सुंदा और उत्सुंदा नाम के दो असुरों के बीच की लड़ाई एक अप्सरा जिसका नाम तिरोत्तमा था उसके लिए है। ये कहानी महाभारत के आदि पर्व में आती है। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता वैदिक सभ्यता ही है। महादेवन के ऊपर हम कभी और वीडियो बनाएंगे क्योंकि ये वीडियो काफी लंबा हो गया है, और भी अन्य वीडियो हम बनाएंगे। तो अगले वीडियो का इंतजार कीजिए। धन्यवाद।